पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के बाद आईपीएल 2023 की पॉइंट टेबल में आया भूचाल। इन तीन टीमों को लगा करारा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 में स्टरडे को हुए डबल हेडर मुकाबले के बाद दो टीमों का अब आईपीएल 2023 से टाटा बाय बाय हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब पॉइंट टेबल में कौन सी टीम किस नंबर पर है और कितने मुकाबले जीतने के बाद वो प्ले ऑफ में पहुंच सकती है या फिर कौन कौन सी टीमें बाहर हुई हैं। तमाम जानकारी पॉइंट टेबल की आपको इस वीडियो में देंगे, तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम अब भी आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरी पायदान से। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल में इस समय सबसे आखिरी पायदान पर दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है और दिल्ली कैपिटल एकमात्र ऐसी टीम है जो पूरी तरह से आईपीएल 2023 से बाहर हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल ने 12 में से 4 मुकाबले जीते जबकि 8 मुकाबले हारे हैं। इनके पास 8 ही पॉइंट है और बचे हुए अपने सभी मुकाबले जीती है तो भी 12 अंकों पर ही पहुँचती हैं। ऐसे में यहाँ पर दिल्ली कैपिटल का सफ़र आईपीएल 2023 से समाप्त और ये टीम एलिमिनेट हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों, नंबर 9 टीम की बात करें तो यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम मौजूद है। सनराइज हैदराबाद ने अब तक 11 में से 4 मुकाबले जीते जबकि 7 मुकाबले हारे हैं। इनके पास 8 पॉइंट है तो साथ ही नेट रन रेट -0.471 है। बचे हुए अपने तीनों मुकाबले ये टीम जीती है तो 14 अंकों तक पहुँच सकती है। अभी 14 अंकों वाली टीम बाहर नहीं हुई है लेकिन जल्द ही ये टीम भी हमें बाहर होती हुई नजर आएंगी क्योंकि काफ़ी कम चांस है कि 14 अंकों वाली टीम इस बार प्ले ऑफ में जगह पक्की करेगी। वहीं पर दोस्तों, नंबर 8 टीम की बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद है अब कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर ने भी 12 में से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि 7 मुकाबले हारे हैं। इनके पास 10 पॉइंट है तो साथ ही इस टीम की नेट रन रेट -0.357 है। कोलकाता नाइट राइडर्स अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतकर 14 अंकों तक पहुँच सकती हैं और इनका हाल भी सनराइज हैदराबाद जैसा ही है क्योंकि अगर ऊपर की टीमें ज़्यादा मुकाबले हारेगी तो ही इनका चांस बनेगा, वरना तो ये टीम बाहर हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों, नंबर 7 टीम की बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम मौजूद है। आरसीबी ने 11 में से 5 मुकाबले जीते जबकि 6 मुकाबले हारे हैं। इनके पास 10 पॉइंट है तो इनकी नेट रन रेट -0.345 है। ये टीम बचे हुए अपने तीनों मुकाबले जीती और नेट रन रेट को प्लस में लेकर आने में कामयाब होती है तो प्ले ऑफ में हमें जगह पक्की करती हुई नजर आएगी आरसीबी। वहीं पर आज के मुकाबले में शानदार 31 रनों की जीत के बाद अब पंजाब किंग्स की टीम नंबर 6 पर आ चुकी है। पंजाब किंग्स ने 12 में से 6 मुकाबले जीते जबकि 6 ही मुकाबले हारे हैं। इनके पास फिलहाल 12 पॉइंट है तो साथ ही इनकी नेट रन रेट अभी भी -0.268 है। अपने बचे हुए दोनों मुकाबले अगर पंजाब किंग्स जीती है और नेट रन रेट को प्लस करने में कामयाब होती है तो ये टीम हमें प्ले ऑफ में खेलती हुई नजर आएगी इस बार, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांस भी हैं। वहीं पर दोस्तों, आज के मुकाबले में जीत मिली लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत से अब राजस्थान रॉयल्स टॉप फोर से बाहर हो चुकी है। राजस्थान फिलहाल 5वें नंबर पर आ चुकी है। 12 मुकाबलों में इस टीम के पास भी 6 जीत है जबकि 6 ही हार हैं और 12 पॉइंट इस टीम के पास हैं। लेकिन इसके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इनकी नेट रन रेट अभी भी +0.633 है जो कि प्लस में है। यानी कि दोस्तों, बचे हुए अपने दोनों मुकाबले जीतती है राजस्थान रॉयल्स तो प्ले ऑफ में अपनी जगह 100% पक्की कर लेगी। वहीं पर दोस्तों, अब टॉप फोर में जगह बना चुकी है लखनऊ सुपर जायंट्स, फिलहाल नंबर 4 पर हैं। लखनऊ ने भी अब तक 12 में से 6 मुकाबले जीते जबकि 5 मुकाबले हारे हैं। इनका एक मुकाबला अनिर्णायक रहा है, साथ ही इनके पास फिलहाल 13 पॉइंट हैं जबकि नेट रन रेट अभी भी इनकी +0.309 है। यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स अपने बचे हुए 2 मुकाबले जीतती है तो प्ले ऑफ में अपनी जगह 100% पक्का करेगी जबकि एक मुकाबला जीतती है तो फिर 15 अंकों पर फंस जाएगी जहाँ पर नेट रन रेट और बाकी टीमों के अंक काफी निर्भर करेंगे। वहीं पर दोस्तों, नंबर 3 टीम की बात करें तो यहां पर मुंबई इंडियंस मौजूद हैं। एमआई ने अब तक 12 में से 7 मुकाबले जीते जबकि 5 मुकाबले हारे हैं। इनके पास फिलहाल 14 पॉइंट है तो इनकी नेट रन रेट अभी भी -0.117 है। यह टीम अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीती है और चेन्नई सुपर किंग्स एक मुकाबला हार जाती है और एक ही मुकाबला हार जाती है गुजरात टाइटंस, तो यह टीम नंबर 2 पर प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती है। यानी कि पॉइंट टेबल में नंबर 1 या नंबर 2 पर
खत्म करती हुई नजर आ सकती है इस बार मुंबई इंडियंस। वहीं पर दोस्तों नंबर दो टीम पर चेन्नई सुपर किंग्स मौजूद हैं। सीएसके ने अब तक 12 में से 7 मुकाबले जीते जबकि 4 मुकाबले हारे हैं। एक मुकाबला इनका भी अनिर्णायक रहा है जिसके चलते इनके पास फिलहाल 15 पॉइंट है जबकि नेट रेट इनकी +0.493 है। बचे हुए 2 में से 1 मुकाबला जीते ही ये टीम प्ले ऑफ में जगह पक्की कर लेगी जबकि 2 में से 2 मुकाबले जीतते ही तय हो जाएगा कि ये टीम इस बार क्वालिफायर 1 खेलने वाली है यानी कि नंबर 1 या नंबर 2 पर ख़त्म करेगी इस बार पॉइंट टेबल को। वहीं पर दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 टीम की तरफ। तो यहाँ पर गुजरात टाइटन्स है जिन्होंने 12 में से 8 मुकाबले जीते जबकि 4 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी फिलहाल 16 पॉइंट है जबकि नेट रेट इनकी +0.761 है यानी कि गुजरात टाइटन्स एक मुकाबला जीतते ही प्ले ऑफ में जगह पक्की कर लेगी जबकि दोस्तों दोनों मुकाबले जीते ही ये टीम नंबर 1 पर ख़त्म करेगी इस बार की पॉइंट टेबल को, यह भी तय हो जाएगा। और अगर एक मुकाबला हारती है और एक मुकाबला कम मार्जिन से जीत जाती है या फिर कहें तो ज़्यादा बड़ी हार ना हो इस टीम की तो ये बड़ी आसानी से नंबर 1 पर ख़त्म कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों फिलहाल देखकर पॉइंट टेबल को ये लग रहा है कि गुजरात चेन्नई और मुंबई इंडियंस 3 टीमें फिक्स हो चुकी है जबकि चौथे स्थान के लिए अभी भी लखनऊ, पंजाब, राजस्थान और RCB के बीच टक्कर हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें पहुँच रही है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।